आती है हमको बोला अपने जगह पे आगे बढ़ने की। सभी लोगों को बोलिए अपनी जगह बैठी जाके, जो भी लोग अपनी जगह बैठी जाके, प्रोग्राम में बैठिए, प्रोग्राम में बैठिए। तुमने बदलाव की लहरों की सवारी की और देश के साथ मिलकर हमेशा वक्त का निर्माण करते रहे, एक दूसरे का हाथ थामे रहे। सभी साथी से निवेदन है, आप मंच के आगे आ जाइए। नई टेक्नोलॉजी आप जितने साथी हैं और सबसे निवेदन है मंच के आगे आ जाए, आप अपनी जगह पर बैठ जाए। जो हमारा कार्यकर्ता आपको बोले सबसे आगे आगे हाथ ऊपर कर दो ना, थोड़ा सा हाथ को नीचे कर दो। अरे आप लोग तो आगे से हट जाओ, आराम से हिलाना मत, थोड़ा पीछे हो जाओगे। अरे आगे से हट जाओ मैडम, आगे से हटिए मैडम, आगे से हटिए आप प्लीज। मैडम साइड होइए प्लीज मैम, मैडम प्लीज साइड होइए भैया, थोड़ा पीछे की तरफ जाइए। भारत माता की, अभी भी रोका हुआ था। हम किधर जाना, उधर जनता के साथ बैठना चाहते हैं। हम जनता के सामने बैठूंगा, उनका स्वागत अरविंद जी का। वो कह रहे हैं कि आज अच्छी अच्छी बातें करने का दिन है, क्यों ये हंगामा मचा रहे हैं? अच्छी बात तो कर रहे हैं, कहाँ बुरी बात कर रहे हैं। आपके साथ राधा भाई हुई है क्या? हाँ, किन्ने करी है? उनके लोगों ने, आम आदमी पार्टी के गुंडों ने, पुलिस के ऊपर भी आपको चारों का पुलिस ने आपको, मैंने पुलिस के सामने आंखों के सामने हुआ, तो पुलिस को इसका संज्ञान लेना चाहिए। मनोज जी आपके कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए मुख्यमंत्री को, क्यों दिखाए और ये कहां तक उचित है? नहीं, मेरे किसी कार्यकर्ता ने तो काले झंडे नहीं दिखाए, मैं आपके सामने हूँ, मेरे केंद्र पर काले झंडे। सर वो जो मोदी के नारे लगा रहे हैं उनमें से, सर इनके उजाले में कैमरे के सामने में पीछे आपके मोदी 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 के नारे लगा रहे, मोदी मोदी के नारे लगाए हैं, काले झंडे दिखाए हैं, वो आम आदमी पार्टी के लोग होंगे। पहले जो उन्होंने अटैक किया मेरे ऊपर, इसलिए आप अपने लोगों को आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं, आप हमारे साथ चलिए हम आपको दिखा देते हैं। उनके हाथ में काले झंडे भी हैं और वो मोदी मोदी के नारे भी लगा रहे हैं, ऐसा नहीं। आप निंदा करते हैं मुख्यमंत्री को काला झंडा दिखाया गया, उसकी निंदा करते हैं? मैं मुख्यमंत्री को काला झंडा दिखाने आया ही नहीं हूँ। नहीं, जिन्होंने दिखाया उसकी निंदा करते हैं आप? निंदा करना चाहिए, काला झंडा दिखाया तो उसकी निंदा करना। ठीक है, अब आप क्या यहाँ से जाएंगे, आप मंच की तरफ जाएंगे? मैं स्वागत करना चाहता हूँ। अभी मनीष जी बता रहे थे कि दिल्ली को लाल किले के नाम से, कुतुब मीनार के नाम से जाना जाता है और अब सिग्नेचर ब्रिज के नाम से जाना जाएगा। उत्तरपुर जिले की जनता जो आज वर्षों से जाम में जूझ रही थी, आज उनके लिए एक उत्साह का दिन है, एक तोहफा का दिन है। दीपावली से पहले उनको एक बहुत बड़ा तोहफा मिलने वाला है और हमारे साथ भारतीय जनता की पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं जो किसी किसी ग्रुप पर मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह का माहौल है आज, क्या क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत गर्व का अनुभव है, हमारी लोकसभा, हमारा सांसद, हमारा प्रदेश अध्यक्ष और हमें इनवाइट नहीं करेंगे, हम जबरदस्ती यहाँ उद्घाटन कर देंगे। बुराड़ी से विधायक संजीव जाजी मौजूद है हमारे साथ, आज के कार्यक्रम की जानकारी लेना चाहेंगे। जी संजीव भाई, बताएं आज के कार्यक्रम की क्या जानकारी इस तरह से? देखिए, आज सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन था, मुझे लगता है कि बरसों से लोग इंतजार कर रहे थे और जिस तरह से अरविंद जी की सरकार ने, मनीष जी ने, पूरे मंत्रालय ने जिस तरह से काम किया वो काबिले तारीफ है। मुझे लगता है कि इस लोकसभा के लोगों के लिए बहुत बड़ा उपहार है, क्योंकि आप जानते हैं कि दो विधानसभा जमुना किस पार है और 8 विधानसभा उस पार है। किसी प्रोग्राम में जाना हो, किसी शादी में जाना हो, किसी भी काम से आपको अपने नेबरिंग विधानसभा में जाना हो तो लोग घंटों इंतजार करना पड़ता था। कई बार ये सोच के लोग नहीं जाते थे कि पता नहीं कितना जाम लगेगा, या कई बार जाते तो जाम में फंस के फिर दोबारा किसी शादी को अटेंड नहीं कर पाते। तो मुझे लगता है कई बार तो दूल्हा, कई बार दूल्हा फंस जाता था शादी में, टाइम से नहीं पहुँच पाता था। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा उपहार है इस लोकसभा के लोगों के लिए,
और मैं धन्यवाद देता हूं, चूँकि दिवाली का त्यौहार है, दिवाली के त्यौहार में इस नॉर्थ ईस्ट लोकसभा के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा उपहार अरविंद जी ने दी है, मनीष जी ने दी है। लेकिन एक दुख भी है, जिस तरह से इस लोकसभा के सांसद और उनके गुंडे जिस तरह से यहाँ गुंडागर्दी आकर किया, मुझे लगता है कि आज एक उत्सव का दिन था, आज इसको सेलिब्रेट करने का दिन था, लेकिन यहाँ आकर के गुंडागर्दी करके, गाली गलौज करके, कार्यकर्ताओं को मारपीट करके बाधा पहुँचाने की पूरी कोशिश की, ना के बाद उद्घाटन में, बल्कि पिछले तीन साल, जैसा मनीष जी ने बताया कि पिछले तीन साल में इसको, इस काम को पूरा ना होने दें, इसके लिए तमाम कोशिशें कर लिया। लेकिन जैसे कि इस ब्रिज को इतनी बड़ी उपलब्धि उत्तरी पूर्वी जिला को देने के लिए, जनता को एक तोहफा देने के लिए, पिछले बजट में बहुत अच्छा तोहफा दिया, क्या केंद्र की इसमें कोई भूमिका या सांसद जी की किसी तरह की कोई भूमिका रही? नहीं, केंद्र की तो कोई भूमिका नहीं रही, बल्कि हाँ, केंद्र अटकाने की भूमिका रही। आज सांसद जी ने रोकने का काम किया, तो मुझे लगता है कि इस लोकसभा की जनता ने आज देखा। सांसद जी ने अभी बताया था, मुझे अभी बाइट में बताया कि उन्होंने भी कुछ बजट जो रुका पड़ा था वो सैंक्शन कराया, जिसके तहत उन्होंने जो रुके हुए काम को पूरा कराया। हालांकि थोड़ी हल्की बातें हैं कि अगर नाच गाने वाले लोगों को जिम्मेदारी दे देंगे तो उनको समझ नहीं है काम होता कैसे, फंड आता कैसे, कौन से हेड से पैसा आता, जरा पूछ लेते कि किस हेड से पैसा आया था, पैसा आता कहाँ से है, कौन से अधिकारियों ने सैंक्शन किया, किसको अपने पैसा दिया। तो मुझे लगता है कि वो नाचने गाने में निपुण हैं, नाच गाने की बात बेहतर जानते होंगे, लेकिन कोई सरकारी मिशनरी कैसे काम करता उनको जानकारी नहीं है, इसलिए वो बोल रहे हैं। हमारे साथ इस समय दिल्ली सरकार के मेंबर हैं मनोज प्रधान जी, जिनसे मैं जानना चाहूँगा कि आज अरविंद केजरीवाल जो सिग्नेचर का उद्घाटन कर रहे हैं और मनोज तिवारी की टीम जो पूरा हंगामा कर रही है, इसके विषय में क्या है? सर, दिल्ली सरकार के अथक प्रयासों से, अरविंद केजरीवाल जी के अथक प्रयासों, आपको यमुना पार को, क्या पूरी दिल्ली को एक दिवाली के रूप में एक तोहफा दिया है सिग्नेचर ब्रिज, जो कि पिछले कई सालों से बंद पड़ा था, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आने के बाद, आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद तुरंत ब्रिज को चालू कर दिया गया। और मनोज तिवारी जी को जनता सबक सिखा देगी, 2019 के अंदर उनको लोकसभा से बाहर फेंक दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी के दिलीप पांडे जी हमारे सांसद होंगे। जिले के सिग्नेचर ब्रिज पर उपस्थित है, जहाँ की बरसों से चले आ रहे हैं उत्तरी पूर्व जिले की जनता को परेशान, जान से जूझना पड़ा था वजीराबाद पर, जहाँ पे अभी सिग्नेचर ब्रिज तैयार हुआ जिसका आज स्वागत है, और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता है, उनसे जानना चाहेंगे उन्हें आज कैसा महसूस हो रहा है। मनोज तिवारी जी के संघर्ष से, जो उन्होंने लगातार इस गूंगी भरी सरकार को जगाते हुए चेतावनी देकर, फिर भी आज चार साल में पुल पूरा हुआ है, मनोज तिवारी जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। जब केजरीवाल जी की सरकार चली गई थी, उस समय जब काम बंद था, उस समय भी मनोज जी ने पूरा प्रयास करके केंद्र से पैसा लाकर इसके काम को जारी रखा था। आज ये पुल पूरा हो रहा है, जमुना पार की जनता के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। हमारे साथ ब्रजेश जी हैं, ब्रजेश जी जिले में मंत्री हैं, ब्रजेश जी से जानना चाहेंगे कि ब्रजेश जी बताएं आज आपको कैसा महसूस हो रहा है चले आज जान से मुक्त। ये जमुना पार के लिए और उत्तर पूर्व के जिले के लिए ये बहुत बड़ा सौगात रही है नरेंद्र मोदी जी की तरफ से और इस क्षेत्र के सांसद मनोज तिवारी जी की तरफ से, क्योंकि वास्तव में जो आज श्रेय लेना चाह रहे हैं केजरीवाल जी आदरणीय मुख्यमंत्री दिल्ली के, एक्चुअली में जब न्यू पड़ा था तो उनका जन्म ही नहीं हुआ था, शीला दीक्षित दिल्ली सरकार थी और इस क्षेत्र के विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के थे, उन सबके साथ में इस पुल का नींव रखा गया था।